गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास सिक्स के जो हमारा चैप्टर चल रहा था 20वें नंबर का, जिसका नाम था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके प्रमुख तत्व, एलिमेंट्स का होता है तत्व। तो यहाँ इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, ये लेसन का आपका चैप्टर का नाम है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें लेसन के भीतर बहुत सी बातों के बारे में अध्ययन किया, बहुत सी बातें लोकतंत्र के बारे में जानी। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, देखिए पार्टिसिपेशन, इसका अर्थ होता है विभाजन, भागीदारी। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए, सबसे पहले इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक सवाल पूछा गया है आप लोगों से, Why do we have elections? हम लोग एक लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपने देश के भीतर संचालित कर रहे हैं, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि चुनावों का जरूरत क्या होती है, किस कारण से चुनावों को आयोजित किया जाता है हमारे देश के भीतर। तो देखिए, तो सवाल पूछा गया Why do we have elections? कि हमारे देश में चुनाव क्यों होते हैं। तो जिस शब्द से पता लग रहा है चुनाव, यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष को चुनना, तो चुनाव का मतलब होता है किसी एक विशेष चीज को चुनना, तो चुनने के कार्य को ही हम चुनाव का कहते हैं। लेकिन हमारे देश में चुनाव के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो होता है एक ऐसी सरकार का निर्माण करना जो पूरे देश की प्रत्येक जनता का या पूरे देश के लोगों का हित को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाए और देश की सरकार को बेहतर तरीके से संचालित करे, अच्छे तरीके से संचालित करे। अब देखिए आगे कहता है, द राइट्स टू वोट इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। फंडामेंटल का अर्थ होता है आधारभूत, और वोट का अर्थ होता है मत डालना, कि अपने वोट को डालने का जो अधिकार है हमारे लोकतंत्र के भीतर आधारभूत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है, इसका प्रमुख आधारभूत जो तत्व है, आधारभूत जो बात है, वह है वोट डालना। हम सीधी भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को बगैर किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया, ताकि वह क्या कर सके कि आसानी से अपने मनपसंद कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके और उस कैंडिडेट के द्वारा हमारे देश के भीतर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। आगे देखें, गवर्नमेंट बाय द पीपल इज पॉसिबल। अब यहाँ ये कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे देश के भीतर जब चुनावों का आयोजन होता है तो जो पार्टियां होती है वो अपनी अपनी पार्टियों से कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, और ऐसे कैंडिडेटों को खड़ा करती है, ऐसे प्रतिनिधियों को खड़ा करती हैं, प्रतियोगियों को खड़ा करती है, जो कि जनता में फेमस होते हैं, जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जिस पार्टी के लोगों को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, वही देश की शासन सत्ता को संभालने का कार्य करती है और देश की सरकार का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल इज पॉसिबल, कि भारत के अंदर जो सरकार शब्द का निर्माण है या सरकार का निर्माण है, वह लोगों के द्वारा सिर्फ तब ही पॉसिबल, यानी कि लोगों के द्वारा भारत में सरकार को बनाया जाना केवल तब ही पॉसिबल है। कब? कि ओनली इफ, यदि दोज रनिंग द गवर्नमेंट हैव बीन चूजन बाय द पीपल, कि जो दोज रनिंग, यानी कि जो शासन में या उस सत्ता में संचालित लोग हैं वो सरकार के भीतर जनता के द्वारा चयनित किए गए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जनता की सरकार का या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का या उत्तरदायी सरकार का अस्तित्व सिर्फ तब तक ही रह सकता है जब तक कि उस सरकार के भीतर जो लोग हैं उनको जनता के द्वारा स्वयं चुना गया हो और जनता के हित में जब तक वे काम करते रहें।
क्योंकि यदि जनता के हित में जिन लोगों को चुना गया है, जिनको वोट डाला गया है जिनके नाम पर और जिनको जिताया गया है, यदि वो जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उनके उनको एक निश्चित समय अवधि के बाद उनके पद से हटना पड़ेगा और आने वाला जो चुनाव होगा उसके भीतर जनता उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं दिखाएगी और साथ में ही उन्हें चुनाव के भीतर हरा देगी। आगे यहाँ कहा गया है, इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एंड असेंबली। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहता है कि जैसे आप पहले के समय में देखा करते थे, तो यहाँ पर तो क्या होती है कि जनता जो है वो अपने राजा को स्वयं ही चुना करती थी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो क्या होता है कि जनता अपने राजा को स्वयं चुनती थी कि यह व्यक्ति है जो राजा बनने के लिए सही है और यह हमारे देश के ऊपर राजा के रूप में कार्य करेगा। तो वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी जैसी पहले चलती थी, लेकिन अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रचलन है क्योंकि आप सभी को पता है भारत में 1,21,00,000 की आबादी मौजूद है और इतनी बड़ी आबादी के द्वारा चुनाव करवा करके किसी एक व्यक्ति को सरकार का पद प्रदान नहीं किया जा सकता है, एक उत्तरदायी व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है। तो इतनी बड़ी सरकार का यानी कि इतने बड़े देश के भीतर एक उत्तरदायी सरकार के निर्माण के लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव के भीतर, अब इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का निर्माण होता है वह डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि लोग जो हैं डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति और अपने बाकी अन्य सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग रहते हैं, पद पर बैठते हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो जनता है वो डायरेक्ट अपने देश के मुखिया को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करती है, बल्कि जो पूरे देश की जनता है वो चुनाव में भाग लेती है, वोट डालती है और वोट डाल के जनता का मत या जनता के द्वारा दिए गए जो वोट्स हैं, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। और उन सभी चयनित प्रतिनिधियों में से, यानी कि जो अपने अपने क्षेत्र से जीते हैं, जो अपने क्षेत्र से विजयी हुए, उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ही देश का सर्वोच्च प्रमुख मुखिया बनाया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सरकार होती है उसके मुखिया का सिलेक्शन डायरेक्ट ना हो करके जनता पहले वोट डालेगी, फिर जो लोग चुने गए हैं जीते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठाया जाएगा और बाकी के जो अन्य मंत्री वगैरह हैं उनकी भी नियुक्ति उन जीते हुए विजयी लोगों में से की जाएगी। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों को, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं टू द पार्लियामेंट, संसद में एंड असेंबलीज और बाकी सभाओं में। अब पार्लियामेंट के भीतर आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं। पार्लियामेंट के तीन अंग कौन कौन से होते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पार्लियामेंट के जो तीन अंग है वो है, पहले नंबर पे जो है वो है लोकसभा, दूसरे नंबर का जो है वो है राज्यसभा और तीसरा जो है प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें मिलकर के निर्माण करती हैं किसका, पार्लियामेंट का। यानी कि इन तीनों चीजों को ऐड कर दिया जाए तो इज इक्वल टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बन जाएगी। संसद कहते हैं इसको हिंदी में। अब देखिए यहां ये कहा जाता है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को सेलेक्ट करती है, जिन प्रतिनिधियों के नाम पर वोट देती है और जिन प्रतिनिधियों को जिताती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को या कंपटीटर्स को जिताती है, उन चुने हुए लोगों को या उन जीते हुए लोगों को का चयन संसद में और बाकी संसद के अन्य सदनों में उनका चुनाव होता है, उनको बैठने का अधिकार होता है। आगे कहता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब देश के भीतर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो सेट पुट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। अब देश के अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो इलेक्शन के भीतर खड़े किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे वोटर जब होते हैं, चुनाव जब होते हैं, तो भाजपा के, कांग्रेस के आदि जैसे दलों के जो लोग हैं
वो चुनाव में खड़े होते हैं, सब अपना अपना भाग्य आजमाते हैं और जो विजेता होता है उसको ही विधायक का या पार्षद का आदि का पद प्रदान किया जाता है। देखते हैं आगे, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। अब यहाँ मेजोरिटी पार्टी का मतलब होता है बहुमत दल के, बहुमत दल का जो नेता होता है। अब पहली बात तो ये बहुमत क्या है कि मान लीजिए चुनाव करवाया गया, तो चुनाव के भीतर अब जैसे दो पार्टियां हैं, अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे राजस्थान में विधानसभा है, राजस्थान के भीतर विधानसभा है, तो राजस्थान के भीतर विधानसभा है तो इसमें कुल मिलाकर के हैं 200 सीटें, तो मान लीजिए 200 सीट है। अब 200 सीट में से जैसे आप लोगों को ये समझना है कि दो पार्टी के लोग जो हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं तीन पार्टियों के नाम ले रहा हूं, जैसे कांग्रेस है या जैसे भाजपा है और या जैसे आप है, ये तीन पार्टी के जो लोग हैं वो अलग-अलग इस पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव में खड़े हुए, कुल सीटें जो हैं वो हैं 200। अब चुनाव जब हुआ तो जैसे 125 जो लोग हैं वो सेलेक्ट हुए कांग्रेस से, भाजपा से सेलेक्ट हुए 50 और 25 सेलेक्ट हुए आपके आप से। अब यहाँ आप साफ साफ अंतर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो आपको किसको किसके मिले, वो कांग्रेस के लोगों को मिले। तो इसीलिए इस दल को हम क्या मानेंगे, बहुमत पार्टी कहेंगे। तो जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, तो ये मतलब यहाँ पे समझाया गया। तो कहने का मतलब है कि बहुमत दल का जो नेता होता है वह चुने हुए सदन में फॉर्म्स द गवर्नमेंट, क्या करता है कि वह सरकार का निर्माण करता है। अब देख लीजिए कि जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि कांग्रेस के 125 लोग जो थे वो जीते, तो 125 लोग जीत गए। अब इन 125 लोगों में से क्या करा जाएगा कि ये 125 लोग जो मिलकर अपने मुखिया को यानी कि राजस्थान में सीएम का चुनाव करेंगे, अब 125 लोगों में से एक व्यक्ति को सीएम चुना जाएगा। अब जो व्यक्ति सीएम चुन जिसको सीएम चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, वह मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों का विभाजन करेगा और साथ में ही सरकार का निर्माण करेगा। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। आगे कहता है कि इन दिस वे, इस प्रकार से द विल ऑफ द पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ आप लोग देखते हैं, कहता है कि इस प्रकार से विल का अर्थ होता है इच्छा, विल का अर्थ होता है इच्छा, ऑफ द पीपल लोगों की, कि इस प्रकार से लोगों की जो इच्छा है वह इज रिफ्लेक्टेड दर्शाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है राज्य सरकार की सरकार के रूप में। तो यहाँ ये कहा जाता है कि इस प्रकार से जो लोगों की इच्छा है उसको राज्य सरकार का निर्माण करके दर्शाया जाता है, राज्य सरकार का निर्माण करके लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है लोगों ने जिस पार्टी के लोगों को जिताया या जिस पक्ष के लोग सबसे ज्यादा विजयी हुए उसी पार्टी की जो सरकार है वो देश के अंदर राज्य के अंदर बनेगी और यही जनता की सबसे बड़ी इच्छा समझ ली जाएगी, जो जनता है उसकी सबसे बड़ी विल समझी जाएगी। आगे देखते हैं, द राइट टू चूज इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज फ्रेंचाइज। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि अपने प्रतिनिधि को चयन करने का जो अधिकार है, कि अपने प्रतिनिधि का चयन करने का जो अधिकार है उसका मुख्य आधार क्या होता है, इज रेफर्ड, इसका मतलब समझा जाता है, यानी कि अपने मुख्य प्रतिनिधि का चयन करने से मतलब यह समझा जाता है कि फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज वर्ड का मतलब होता है मताधिकार, वयस्क मताधिकार, फ्रेंचाइज का अर्थ होता है वयस्क मताधिकार। हम इसको इनडायरेक्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के भीतर जो जनता है वह अपनी मनमर्जी से जो भी उसको कैंडिडेट लगता है कि अपने राज्य का देश का जो हित है वो ज्यादा अच्छा डिसाइड कर सकता है, ज्यादा अच्छा देश को आगे बढ़ा सकता है, तो उस हिसाब से वो मन मर्जी से अपने मन के मुताबिक अपने स्वेच्छा के अनुसार वह उस व्यक्ति को वोट डालेगा और यदि वह जीत जाता है तो वह सरकार का निर्माण करेगा। तो अब उन लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है वो किस बेस पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हमारे देश के भीतर वोट डालने की जो आयु फिक्स की गई है वो फिक्स की गई है 18 वर्ष की, कि जैसे ही कोई व्यक्ति
18 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वह किन्नर हो, सभी को 18 वर्ष की उम्र जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है वो वोट डालने का पूरा पूरा अधिकारी है। आगे देखें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट। अब यहाँ कहता है भारत का जो संविधान है वह राजनीतिक अधिकारों की समानता को व्यवहार में लाता है। अब ये हर व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव में भाग ले सकता है। अब वो चाहे किसी पार्टी की तरफ से ले, चाहे विदाउट पार्टी ले, चाहे निर्दलीय रह करके वो चुनाव लड़े, वो किसी भी तरीके से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि किसी आदमी को लगता है और यदि उसके अंदर वो सभी योग्यताएं हैं जो चुनाव की योग्यताओं के हिसाब से सही हैं, उचित हैं, तो वह हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ने का हकदार है, भागीदार वो बन सकता है चुनाव का और देश के भीतर चुनाव लड़ सकता है। आगे कहता है एवरी एडल्ट वोट हैज इक्वल राइट। हमारे देश के भीतर जो भी एडल्ट वोट है, अब एडल्ट का मतलब क्या है, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, यानी कि हमारे देश में जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, किसी ने भी 18 वर्ष की उम्र को यदि वो प्राप्त कर लिया तो उन सबों के वोट का समान वैल्यू होगी, उन सभी की जो वैल्यू होगी वो समान होगी। क्योंकि अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए, देखिए अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुए किसी जगह पर, मान लो जैसे जयपुर की मैं बात करूं, तो जैसे जयपुर में मान लीजिए 2000 लोग हैं, कि जैसे जयपुर में 2000 लोग हैं, तो 2000 लोग में से महिलाएं जो हैं उन्होंने भाग लिया तो 1000 महिलाओं ने वोट डाले, पुरुष हैं तो पुरुषों में जैसे मान लीजिए 900 लोगों ने भाग लिए, और किन्नर हैं तो किन्नर ने 100 लोगों ने भाग लिए, तो कुल मिला के 2000 लोगों ने वोट डाले। अब कहने का मतलब है कि इतने लोग जो हैं 2000 लोग हो चुके हैं, अब कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग यानी कि भाजपा के लोग, इनको मान लो वोट डाला जाना है। अब 2000 लोगों ने वोटिंग का काम किया, वोट डाला, तो वोट डालने पर अब एक महिला वोट डालेगी तो उसको एक वोट ही गिना जाएगा। कहने का मतलब है मान लो एक महिला ने कांग्रेस के आदमी को वोट डाला तो इसको एक ही माना जाएगा कि उसने एक वोट दिया, और यहाँ पुरुष ने डाला है तो उसको भी एक ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि जैसे 200, यहाँ पे ये मान लीजिए कि जैसे महिला और पुरुषों ने कुल मिलाकर के 1500 लोगों ने कांग्रेस के आदमी को वोट दिए हैं, 2000 में से 1500 लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया, तो यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी, और 500 लोगों ने भाजपा को वोट दिया। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, तीनों ही स्थिति के भीतर जो भाजपा है वो हार जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दो पार्टियों के बीच में इस तरीके से डिसाइड होता है कि कैसे जीत होती है, कैसे हार होती है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि सभी के मत को बराबर का वैल्यू दी गई है, बराबर का अधिकार दिया गया। आगे देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का अर्थ होता है निषेध या प्रतिबंध, कि कोई प्रतिबंध नहीं है, कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है बाय वे ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस और साथ में आर्थिक स्तर पर, यानी कि ये सभी वो चीजें हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। हर लिंग का, हर जाति का, हर धर्म का और हर प्रकार से, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आगे कहता है द राइट टू वोट इज यूनिवर्सल, और साथ में ही वोट डालने का जो अधिकार है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। अब ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कहने का मतलब जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है तो जब तक वह मर नहीं जाता तब तक वो वोट डालने का अधिकारी है। ऐसी कोई उम्र फिक्स नहीं की गई है कि इतने 60 वर्ष के बाद वाला जो व्यक्ति है वो वोट नहीं देगा। तो यहाँ पर यह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसने कि 18 वर्ष की उम्र या 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र प्राप्त कर ली हो। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुडे हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज पूरे वर्ल्ड में अधिकतर जो देश हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो ऐसे देशों के भीतर सफल होता है जहां जहां
बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है। अब भारत में आप जानते हो 1 अरब 21 करोड़ आबादी, तो इसलिए ऐसे देशों के भीतर ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति है वो संचालित है। आगे कहता है अंडर दिस सिस्टम, इस व्यवस्था के अधीन या अंतर्गत द गवर्नमेंट इज फॉर्मड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। अब जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जनता ने जिस प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए सर्टेन पीरियड, और इन प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। वैसे भारत के अंदर अधिकतर जिन लोगों को चुनाव में जिताया जाता है उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, लगभग 5 साल के लिए उनका पद बना रहता है। 5 साल के लिए वो जीत हासिल करते हैं, 5 साल के बाद में सरकार बदलेगी तो कैंडिडेट भी बदल जाएंगे। अरे इन इंडिया भारत में दिस पीरियड ऑफ सॉरी दिस पीरियड इज ऑफ 5 ईयर। अभी आप लोगों को मैंने बताई दिया कि भारत के अंदर ये चुनाव में एक बार यदि कोई प्रतिनिधि विजय हो गया तो वह 5 साल के लिए उसका समय फिक्स हो जाता है। 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहेगा। यदि जनता उससे सेटिस्फाई है तो, और यदि बीच में जनता को लगता है कि यार ये कैंडिडेट अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति के भीतर जनता उसे उसके पद से हटा भी सकती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक्स।